हाय फ्रेंड, मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जैसे कि बंगाल के गवर्नरों के बारे में। आज मैं आपको क्रम से बताऊंगा कि बंगाल में गवर्नर कौन कौन थे, पहले नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर पे कौन थे, तीसरे नंबर पे कौन थे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल के गवर्नर पहला कौन थे? क्लाइव थे, इनका पूरा नाम रॉबर्ट क्लाइव। कब थे? 1765 से 1760 एवं 1765 से 1767 तक। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। कब हुई थी? 1765। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर थे। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? क्लाइव ने। कब किया था? 1765 और 1772 तक। तो हमें जानना इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनते कैसे है। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, तो आप याद कर लीजिए क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? क्लाइव। अब फिर दूसरे क्वेश्चन हमारा बनता है, इलाहाबाद की संधि किसके समय में हुई? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। श्वेत विद्रोह कब हुआ? क्लाइव के समय में। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? क्लाइव ने। कब किया? 1765 में। और ये समाप्त कब हुआ? 1772 में। उस समय कौन थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल? थे वारेन हेस्टिंग थे। इन्होंने इसको समाप्त कर दिया, द्वैत शासन की स्थापना को समाप्त किया। फिर हमारे आते हैं दूसरे नंबर पे हॉर्नवेल, जो 1760 में बंगाल के गवर्नर बने। तो हॉर्नवेल कब बने? क्लाइव के बाद दूसरे गवर्नर हमारे आते हैं हॉर्नवेल। इनके समय में बहुत कुछ नहीं हुआ था, केवल इनके समय, बस इतना आप याद रखिए, इनके समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो ये अब देख सकते, क्वेश्चन और आ गया, ये ब्लैक होल की घटना किस गवर्नर के समय में हुआ था? आप याद कर लीजिए हॉर्नवेल के समय में कब हुआ, 1760 में हॉर्नवेल बंगाल के गवर्नर थे, इतना याद कर लीजिए। फिर हमारे तीसरे नंबर पे आते हैं बेंसिटा, कब बने? 1760 से 1765 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। इनके समय में भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रहे ये। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो आप याद कर लीजिएगा बेंसिटाट। कौन थे? बेंसिटाट। ये बेंसिटाट बंगाल के चौथे गवर्नर थे, तो ये बंगाल के तीसरे गवर्नर थे। अब हमारे चौथे नंबर पे आते हैं बैरेलस बंगाल के 1767 से लेकर 1769 तक बंगाल के गवर्नर है। मात्र 2 वर्ष की इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के समय में द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर है। एक क्वेश्चन पूछ देगा जे द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर कौन रहे, तो आप याद कर लीजिएगा बैरेलस। आखिरी गवर्नर हमारे कौन थे? जैसे कार्टियर के बाद थे हमारे वारेन हेस्टिंग, बंगाल के अंतिम गवर्नर। मैं उसको भी बताता हूं, कार्टियर हमारे पांचवें नंबर के थे 1769 से लेकर 1772 तक। इनके समय में ज्यादा कुछ नहीं, फिर बस इतना याद रखिएगा, बंगाल में एक अकाल पड़ा था, बंगाल में भीषण अकाल पड़ी थी 1770 में। उस समय ये बंगाल के गवर्नर रहे। चले दोस्तों, एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन रहे? क्लाइव। दूसरे गवर्नर कौन रहे? हॉर्नवेल। तीसरे गवर्नर कौन रहे? बेंसिटाट। चौथे गवर्नर कौन रहे? बैरेलस। और पांचवे गवर्नर कौन रहे? कार्टियर। और हमारे अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के अंतिम गवर्नर। और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, आप याद कर लीजिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के सिर्फ और सिर्फ अगर पूछा जाए बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन रहे, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए एग्जाम में बंगाल के अंत प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे, तो वारेन हेस्टिंग्स है। चलिए दोस्तों, हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जो श्वेत विद्रोह बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन रहे, द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बंगाल के गवर्नर को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस एग्जाम को कर पाएंगे।